नमस्कार दोस्तों राती राधे हरे कृष्णा आज मैं आपको तुलसी दिवस की पूजा बताने वाला हूँ बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये बात सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है दो तीन साल के बच्चों को ही पता है इस दिन हमें मैरी क्रिसमस बोलना है और सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहननी है सभी को ये बात पता रहता है पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है परंतु दोस्तों ये बड़ी खेत की बात है कि हम हिंदू होने के बावजूद भी हम लोग को ये नहीं पता कि 25 दिसंबर को एक और दिन मनाया जाता है उस दिन का नाम है तुलसी पूजा दिवस इस दिन को पुरा पुराणों में कोई वर्णन नहीं किया गया है साधु संत समाज ने इस दिन का वर्णन किया है क्योंकि 25 दिसंबर से लेके फर्स्ट जनवरी तक नए साल और क्रिसमस के उपलब्ध में लोग शराब जितने भी नशीली पदार्थ होती हैं इन सब का सेवन ज़्यादा करते हैं और इस कारण हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इसलिए साधु संत समाज ने 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक बहुत सारे त्यौहार मनाने को कहे गए हैं जैसे कि तुलसी दिवस तुलसी पूजा दिवस फिर माला माला की पूजा की जाती है अपने जब माला की हवन करना चाहिए पूजा करना चाहिए इत्यादि करना चाहिए हमें यह सब करना चाहिए अब मैं आपको तुलसी दिवस की साधारण सी पूजा करके दिखाने वाला हूँ पच्चीस दिसंबर को आपको सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होके चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं और उस पे भगवान विष्णु और तुलसी माता को स्थापित करें सबसे पहले जल के छीड़ दे दे स्नान करवाएं भगवान विष्णु को हमने यहाँ पे माला पहनाई है आप चाहे तो माला ना भी पहनाएं फिर हम तुलसी माता को स्नान करवाएंगे वे भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे गणेश जी का नाम लेकर ही हम इस पूजन को शुरू करेंगे सर्वप्रथम हम भगवान जी को गंगा जल के छीटे दे देंगे और फिर हम तुलसी माता में जल अर्पण करेंगे जो जल है हम तुलसी माता में डालेंगे एक लोटा जल आप डाल सकते हैं हमने यहाँ पे छोटी सी तुलसी माता का गमला लिया है और उन्हीं का हम पूजन करेंगे जो बड़ी बड़ी तुलसी जी है जिनका हम पूजन करते हैं उनको मैंने नहीं लिया क्योंकि ये पूजा मैं अपने घर के मंदिर में कर रहा हूँ आप जहाँ पे तुलसी माता है वहीं पे आप इस पूजा को कर लीजिए बहुत अच्छा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी तुलसी जी का प्रयोग किया है आप जिस तुलसी जी का रोज पूजन करते हैं उन्हीं तुलसी जी को आप ले सर्वप्रथम भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें चंदन से तिलक करने के बाद रोली लगाएँ चंदन रोली हल्दी कुमकुम कुम, अर्पित करें भगवान विष्णु को और फिर अच्छी प्रकार से पंचोपचार विधि से हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे भगवान विष्णु को चंदन रोली अर्पित करने के बाद अक्षत अर्पित करें फिर तुलसी माता को भी आप अक्षत अर्पित करें इस दिन आप तुलसी माता को किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं जैसे छोटी सी तुलसी माता आप गमले में लगा रहे जैसे हमने ये देखिए लगाई है ये आप गिफ्ट में भी दे सकते हैं किसी को दान दे सकते हैं पंडित जी को छोटी सी तुलसी माता लगा कर मटके में आप दान कर सकते हैं क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति उस तुलसी जी का पूजन करेगा तो वो आपको याद करेगा कि ये जो उन्होंने हमें तुलसी जी दी थी भेंट में दी थी और हम उन्हीं का पूजन कर रहे हैं तो अब हम फूल अर्पित करेंगे तुलसी माता को कोशिश करें लाल गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएँ लाल फूल भगवान विष्णु को पीले सफ़ेद फूल हम चढ़ाएंगे और अच्छी प्रकार से अब पूजन करें भगवान विष्णु का तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है अगर आपके पास भगवान विष्णु नहीं है तो आप लड्डू गोपाल पाल शालीग्राम जी के साथ पूजन करें तुलसी माता का वे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है शालीग्राम जी के साथ पूजन करें तुलसी माता का आज के दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें भगवान विष्णु के सामने आप तुलसी पत्र रखें तुलसी की मंजरी हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं फिर अब हम भोग लगाएंगे भगवान विष्णु को आज के दिन गजक मूंगफली गुड़ गजक, गजक गुड़ मूंगफली इन सब का भोग लगा सकते हैं क्योंकि ठंडियों में तो यही सब खाया जाता है भगवान जी को भी यही सब भोग लगाएं आप आप यहाँ पे फलों का भी भोग लगा सकते हैं एक जल का लोटा रख दें भगवान जी के सामने धूप दिखाएं दीप दिखाएं और बिल्कुल सरल और साधारण विधि से तुलसी माता का पूजन करें जल डालते समय पूजन करते समय आपको इस मंत्र का तुलसी माता का पूजन करते समय आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्तनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते इस मंत्र का आप जप करें फिर अब हम वस्त्र रूपी मौल्य अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को और तुलसी माता को आज के दिन आप भगवान तुलसी माता को कोई सा भी कपड़ा भेंट दे सकते हैं तुलसी माता को आप आज के दिन कपड़ा जरूर उड़ा दे कोई सी भी चुन्नी उड़ा सकते हैं क्योंकि तुलसी माता को अब ठंड लगने भी शुरू हो जाती है ठंड में तुलसी माता भी सूख जाती है इसलिए उनके ऊपर कोई कपड़ा रख दे ताकि उन पर ओस की बूंदें होती हैं जो रात को ओस पड़ती है वो ना पड़े और अच्छे प्रकार से तुलसी माता को आज के दिन से आप ढक के ढकना शुरू कर सकते हैं आ, कपड़ा जरूर बनाए तुलसी माता को देखिए तो हमने यहाँ पे पीला रंग का कपड़ा पहना दिया है तुलसी माता को मतलब पहना दिया है मतलब चढ़ा दिया है तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है तुलसी दिवस के दिन तुलसी माता का पूजन आप ज़रूर करें पच्चीस दिसंबर को तुलसी दिवस का पूजन तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक राधे राधे हरे कृष्णा और आप सभी को जय माता दी